पौधा चोरों से परेशान नगर निगम अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ेगा चोरों को। इन दिनों पौधे चोरी करने वाले काफी परेशान कर रहे हैं नगर निगम को। दिन में नगर निगम विभिन्न चौराहों पर खूबसूरत फलों के पौधे लगाता है और रात को लोग इन्हें चोरी कर ले जाते हैं। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। नगर निगम के उपायुक्त उद्यान कैलाश जोशी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सयाजी होटल चौराहा और व्हाइट चर्च चौराहे पर लगाए गए महंगे आकर्षक पौधे और फलों के पौधे चोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा इन चौराहों की चौकीदारी किया जाना कठिन है, इसलिए अब चोरों को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाश की जा रही है। संबंधित थानों में इसकी लिखित सूचना दी जा रही है। शहर में 7-स्टार रेटिंग के लिए जो सौंदर्यीकरण के काम प्रमुख चौराहे और रोटरियों पर किए जा रहे हैं, उसमें पहली बार जो है मौसमी पुष्प जो है इसमें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती दिखती है। तो कई जगह पर कुछ लोग जो है उसमें से पौधे निकाल के ले जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ 10 से 12 पौधे हमारे यहाँ सयाजी के सामने जो रोटरी तैयार की थी उस पर लोग निकाल के ले गए। इसके अलावा कुछ बड़े महंगे पौधे जो है व्हाइट चर्च के पास में MY का जो चौराहा है वहाँ से पहले दिन एक पेड़ निकाल के ले गए, उसके बाद 2 ले गए और अभी 3 पौधे और ले गए। अब 24 घंटे इस तरह की जो है हर स्थान पर चौकीदार रखना संभव नहीं है। तो हम तो जनता से यही करेंगे कि इसमें जहाँ भी दिखे इस तरह की जो है सूचना हमारे निगम कंट्रोल को दे, या हमारा स्टाफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह जो है कुछ समय के लिए जो है ऐसे समय जिस समय चोरी होने की संभावना रहती है उस समय खड़े रख के उसमें भी हम जो है निगरानी कर रहे हैं। ये पौधे कौन से थे, कितनी कीमत इनकी थी? सयाजी रोटरी के साम जो लगाए थे पौधे उनकी कीमत तो 15 से 20 रुपये के आसपास थी, लेकिन जो ये व्हाइट चर्च के पास में जो पौधे लगे थे वो पौधे जो है महंगे थे, लगभग 700 रुपये प्रति पौधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।